उमात्मा त्वं गिरिजा मति साचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली और कैसे हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। देखिए, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और भाग्य जो बनता है ना, वो बनता है आपके पुण्यों से। पुण्य जितने बढ़िया होंगे, ज़्यादा होंगे, उतना आपके भाग्य में, आप यदि समय खराब भी चल रहा होगा तो लाभ ले लेंगे। तो इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, जितने पुण्यों को जगाने का आपके लिए सुंदर अवसर बन रहा है। सावन का महीना पड़ने वाला है, जुलाई के अंतिम में गुरु पूर्णिमा का अवसर बनने वाला है, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर बन रहा है और भगवान भोलेनाथ की सुंदर प्रार्थना करने का सुंदर अवसर है। इस बार विशेष सावन का योग है, जो श्रवण नक्षत्र, सावन का नाम ही श्रवण नक्षत्र से पड़ा और इस बार महीना भी आरंभ श्रवण नक्षत्र से ही हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, और सोमवार के दिन से ही हो रहा है। सोमवार, श्रवण नक्षत्र, सावन का महीना और अंत भी इन्हीं तीनों योग से हो रहा है, सावन का महीना, सोमवार और श्रवण नक्षत्र। तो ये बड़ा सुंदर योग है। ऐसे में भगवान शंकर की सुंदर स्तवना प्रार्थना कर आप जो भी कार्य करेंगे ना, पुण्यों को जगाएंगे, तो ये अद्भुत पुण्य को देने वाली रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार समझ लो, ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल चल रहे हैं। बृहस्पति स्वयं पंचम भाव में स्थित होकर आपके पूर्ण दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। शनि महाराज धन भाव में स्वयं बैठे, हाँ वक्त भी जरूर है, उनको ठीक करने का भी उपाय आपको इन दिनों कर सकते हैं सावन के महीने में। जी हाँ, सावन का महीना शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का है, वो सब बता रहे हैं हम आपको अभी। विद्या के क्षेत्र में छात्रों के लिए बुद्धि पर सही रूप से चंद्रमा और इसका बृहस्पति का और मंगल का सुंदर योग बना हुआ है, ये भी सफलता देने के सुंदर रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, टाइम को दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मत खराब कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्ती यारी बहुत बढ़ेगी, लेकिन टाइम को यूटिलाइज यदि आपने सही रूप से कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। 21 जुलाई की हम बात करें, पूर्णिमा का अवसर, रविवार की तिथि, पूर्णिमा, सुंदर योग, और साथ साथ उस दिन गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर, व्यास पूजा का सुंदर अवसर है, तो अवश्य गुरु का सानिध्य लेने का आपको प्रयास करना चाहिए यदि ग्रह अनुकूल करना चाहते हैं। देखिए, ग्रह एक तरफ और गुरु का आशीर्वाद एक तरफ, और यदि आशीर्वाद यदि गुरु का मिल जाए तो कहा जाता है संपूर्ण अनिष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए आशीर्वाद, भाग्यवान बनना चाहते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, वो सरलता से आएगा, गुरु के श्री चरणों से आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में आपके लिए बैठे हैं, लग्न में नई शक्ति का संचार करने के लिए ग्रह योग बना रहे हैं, तो उसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें इन दिनों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से थोड़ा सा स्वास्थ्य अननेसेसरी वरी की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साढ़े साती का अंतिम भाग चल रहा है। शनि का अनुकूल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सो शनि का अनुकूल करने के लिए सावन का सोमवार जो पड़ रहा है उसमें हम उपाय बताएंगे। हो सके तो तेल के द्वारा भगवान शंकर का इस पूरे सावन में अभिषेक करने का प्रयास करें। 22 जुलाई से प्रतिपदा से सावन का महीना आरंभ हो रहा है, सोमवार से आरंभ हो रहा है, श्रवण नक्षत्र से आरंभ हो रहा है और सोमवार में ही समाप्त होगा। तो सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से आपको एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा तेल लेकर भगवान नर्मदेश्वर पर नित्यपति ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। यदि रुद्राष्टाध्याय के द्वारा कर लें तो बहुत अच्छा है। देखिए, शनि को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज अंतिम में जाते जाते वक्री स्थिति में आ गए हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा अननेसेसरी की नेगेटिव स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट दे रहे हैं, पीछे आपको खींच के वापस ले जा रहे हैं। तो ऐसे में तेल के द्वारा अभिषेक भगवान शंकर का पूरे सावन के सोमवार जो जल रहा है 19 तारीख तक योग है, नित्यपति करने का प्रयास कीजिए। ये अकाट्य प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये सब प्रयोग एक तरफ, ये एक उपाय एक तरफ, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर का बड़ा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, जो शाम को नित्यपति 6 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक चलेगा। आप सब भगवान शंकर के सुंदर अभिषेक में, पूजन में, यजुर्वेद अष्टाध्याय के द्वारा, जो यजुर्वेद संगीता के द्वारा भगवान का नित्यपति षोडशोपचार पूजन करते हुए
भगवान का तेलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अमृताभिषेक और साथ साथ दूध से, दही से, घी से, भस्म से, अनेक प्रकार से सुंदर रूप से भगवान का बड़ा विशाल शिव विग्रह, उनका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था चलेगी। आप भी उसमें सानिध्य ले सकते हैं भाग्य, और हमारे फेसबुक पर जाकर उसको लाइव डेली देख भी सकते हैं उस यज्ञ को। देखिए, पुण्य को जगाने का अवसर है और आप सब उसमें भगवान का स्तवन करने के लिए एकत्र हों, ईश्वर की कृपा से रास्ता बहुत सुंदर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, 23 जुलाई का अवसर जो है आपके लिए समझने कैसा है, द्वितीया तिथि है, मंगलवार का अवसर है, कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और यह आपके लिए बहुत सुंदर अनुकूल योग बनता दिखाई दे रहा है। माता पिता बड़े को आशीर्वाद यदि लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उन विघ्नों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार का अवसर है, लेकिन ध्यान रखें मंगल इन दिनों बृहस्पति से थोड़ा पीछे चल रहा है, और मंगल बृहस्पति से जब तक एक ही राशि में रहते हुए पीछे रहता है तो वो थोड़ा सा विप्लवकारी योग बनाता है, अशांति का योग बनाता है, कहीं ना कहीं क्लैश का योग बनाता है, और कहीं ना कहीं भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करने का योग बनाता है। तो ऐसे में मंगल को प्रसन्न करें, मंगल का उपाय करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पंचक है इस दिन, तो पंचक आरंभ होगा 5 दिन के लिए, जो 27 तक चलेगा, ध्यान रखते हुए कार्य करें। पंचक में विशेष तौर पर कहा जाता है 5 चीज़ें निषेध हैं, दाग इत्यादि कर्म, उसका उपाय है वो करना चाहिए यदि करना हो तो। इसके अलावा एकत्रीकरण, तृण का एकत्रीकरण, लकड़ी का एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब कार्य शास्त्र में निषेध बताए गए हैं, तो उन्हीं कार्य के लिए ये पंचक निषेध है। मुहूर्त इत्यादि में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कर सकते हैं। 24 जुलाई का अवसर, तृतीया तिथि, बुधवार का अवसर, चतुर्थी शय है, नए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि तिथि शय चल रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह स्थिति थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में सुख देने में कहीं ना कहीं कमी दे सकते हैं ग्रह, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सुख को ठीक देने के लिए आपको कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को दूरवार अर्पित अंकुर करें, अर्पित करें तो वो ठीक रहेगा। 25 जुलाई पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार का अवसर, मीन में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए परिवर्तन का योग है, और भगवान शंकर की यदि इन दिनों स्तुति की जाए तो आपकी राशि के अनुसार से आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, नए संबंधों को स्थापित करने के योग बन सकते हैं। राहु के साथ चंद्रमा की युति नए संबंधों में नए पराक्रम की याद, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका समय केवल बातों में व्यर्थ कर दें, तो आप स्कैन करें कौन से आदमी अच्छे हैं कौन से आदमी खराब हैं, उनके साथ समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों की सेवा, ये सब उपाय करें, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। 26 जुलाई की बात करें, षष्ठी तिथि, शुक्रवार का अवसर, और इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान रहेगा जो गंडमूल क्षेत्र के अंदर आता है, और 26, 27, 28 तीन दिन तक अश्वनी और रेवती नक्षत्र के योग रहेंगे। तो ये गंडमूल हैं, जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, ये तो सबसे पहले आप नोट करके रख लें। और यदि किसी व्यक्ति की जो इन नक्षत्रों में जन्म लिया है गंडमूल में नक्षत्रों में, लेकिन उन्हें बचपन काल में उनकी मूल शांति नहीं हुई, तो अवश्य बाद में करा लें, क्योंकि हर महीने ये नक्षत्र आते हैं और जिस दिन ये नक्षत्र आए उस दिन से लेकर 27 दिन तक 27,000 मंत्रों का जप योग्य ब्राह्मण के द्वारा स्वयं आप कर मूल शांति अवश्य करा लें, नहीं तो ये ग्रह योग जो है ये जीवन पर्यंत बहुत प्रयास करने के बाद भी अनेक प्रकार के कष्ट जीवन में समय समय पर उत्पन्न करता रहता है, तो अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मीन में चलता हुआ चंद्रमा, राहु के साथ युति बनाता हुआ चंद्रमा, ये आपके लिए अनुकूलता स्थिति दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट संबंधित रोग, नाभि से नीचे के संबंधित रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा योगाभ्यास करें। थोड़ा सा वर्षा ऋतु का समय चल रहा है तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए शरीर के अंदर, थोड़ा सा धनिया का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। इन सबको ध्यान रखते हुए करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। कौ सेवा अवश्य करें। 27 तारीख का दिन, जुलाई का अवसर, 27 जुलाई का सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर, और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से 7.5 का योग जो बना रहे हैं उसके लिए हमने आपको उपाय बताया था, वो विशेष रूप से करने का प्रयास करें। हर रोज भगवान शंकर का तेलाभिषेक करिए। ये शनि के अनु नेगेटिव प्रभाव को, आमतौर पर दुनिया जो है वो तेलाभिषेक शनि का करते चली जाती है। अरे प्रधान देवताओं को तो करें ना, प्रधान देवताओं को मत भूलें। भगवान की उपासना से ही समस्त कार्य ठीक होने के योग बनेंगे और शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन चाहेगा कि भगवान शंकर का रूप अभिषेक जो स्वयं करवाना चाहेगा भगवान शंकर के समुपस्थित होते हुए, लेकिन संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अनेक रास्ते अपना लेते हैं। तो अच्छा ये है कि इस दिन तो अवश्य कम से कम तेल के द्वारा भगवान शंकर के काले शिवलिंग पर अभिषेक करें। वैसे तो भगवान शंकर का जो स्वरूप बताया गया है, कर्पूर गौरव करुणावतारम, यानी कर्पूर के समान गौरव वर्ण है भगवान का। भगवान का वर्ण काला नहीं है,
लेकिन शिवलिंग जो रमणेश्वर वो काले शिवलिंग पर उनका पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, तेलाभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, ये अवश्य करने का प्रयास करें। भद्रा है इस दिन सुबह 10:33 तो अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि सुबह नए 10:23 तक कम से कम नए कार्यों में हाथ ना डालें, उसके बाद दिन अनुकूल रहेगा, कार्य करेंगे अच्छा रहेगा। 28 जुलाई को विशेष तौर पर अष्टमी का योग है, रविवार का योग है, और विशेष तौर पर मकर राशि वालों को समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है। कालाष्टमी है, भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रादुर्भाव का अवसर है। अष्टमी के दिन ही भगवान का शिव का प्रादुर्भाव शिवलिंग के रूप में हुआ। कहा जाता है कि जो कृष्ण पक्ष है वो कालाष्टमी होती है, और जो अष्टमी की तिथि होती है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। तो भगवान शिव का विशेष स्तवन करने का सुंदर तिथि है। आपके मनोरथ सिद्ध करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। मेष में गए हुए चंद्रमा विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा से अननेसेसरी वरीज को अवॉइड करने के लिए आप एक काम करें, भगवान का दूध से अभिषेक करें, शिव का सब कष्ट दूर होंगे। 29 तारीख का अवसर, नवमी तिथि, सावन का दूसरा सोमवार, और वृषभ में उच्च में चंद्रमा बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध बनाएंगे, और ये आपके लिए नई पॉजिटिव एनर्जी को देने के योग बनाएंगे। आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सारे अच्छा रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा मंगल बृहस्पति तीनों एक साथ होकर पंचम भाव में विचार वाले भावों में बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्यों को पूर्ण करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सुंदर अवसर है। तो सानिध्य भगवान का प्राप्त कर लें, थोड़ा पूजन कर लें भगवान का, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सावन का दूसरा सोमवार, तो अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का सुंदर अभिषेक करें। और जैसा हमने कहा कि आश्रम पर पूरे इन 30 दिनों नृत्यपति भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी का, रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 30 जुलाई का अवसर, मंगलवार, दशमी तिथि, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके बिल्कुल ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अनुकूल चल रहा है। आप ये जन्मपत्री के हिसाब से कैसा है वो तो देखने की बात अलग है। गोचर में ग्रह बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं। पंचम में बैठा हुआ चंद्रमा के साथ बृहस्पति, शनि महाराज द्वितीय भाव में बैठे हुए, बस 7.5 का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हनुमान जी का स्तवन करिए ना। मैं आपको बार बार 7.5 इसलिए बता रहा हूँ मकर राशि वालों, क्योंकि जाता हुआ शनि है, वक्री स्थिति में है, आखिरी बार वक्री हुआ है, कहीं झटका ना दे जाए, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए उपयुक्त रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 31 जुलाई का अवसर, एकादशी तिथि, बुधवार, और कामदा एकादशी का सुंदर योग, भगवान की पूजा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए विराजमान हैं, तो अवश्य उनके शैया परिवर्तन का योग बनाएं, उनका पूजन करें, पंचामृत से उनका ग्रहण करें, जो चरणामृत ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं बहुत प्रत्यक्ष, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर सब समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है, उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाए तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की कालगणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं, देखिए ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतरदशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है, अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पर डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को, प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित।
ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, कौन उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्य उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा। नहीं, ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म, ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है, यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यित करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सबकी गणनाएँ हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है, सेम तरीके से जो वहां लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारी प्रभाव है, यह हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीजें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों रोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा, हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर देखा, और जब हम प्रिडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर, बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन बाल्यकाल से ही, 5-7 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था, लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो क्या। जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं, हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया, और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारी काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे, लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे योगों को, लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबना है भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए।
आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योग आश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में पूरा हर रोज भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5वें सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है, भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सब समस्त सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है 8 से 10 बजे तक, मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योग आश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ, धन्यवाद।